हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मलविंदर कौर फ्रॉम नेचर गार्डन। वेलकम है मेरे गार्डन में और मेरे चैनल पे। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं अपने लेमन प्लांट के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। जो लेमन प्लांट है वो हमें ग्राफ्टिंग लगाना चाहिए या फिर जो है सीड से ग्रो करना चाहिए। अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो कितने टाइम में इसके ऊपर है फ्रूटिंग आ जाती है। तो आज मेरा जो टॉपिक है इसी पे रहेगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। और ये वाला जो मेरा आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। और ये मैंने सीड से ग्रो किया था और कागज़ी नींबू था मुझे, उसके सीड थे, उसमें बहुत कम सीड थे, मैंने वो सीड ग्रो करा था। ये वाला जो मेरा प्लांट है अब पूरे 4 साल का हो गया है और 5th ईयर्स अब स्टार्ट हुआ है और इसके ऊपर अब फ्रूटिंग आना स्टार्ट हुआ है। ये देखिए अब इसके ऊपर है, अब जो है फूल आना स्टार्ट हुए हैं। पूरे 4 साल का प्लांट है, इसकी एज है जो। तो देखिए अब इसके जो हैं फूल बनने लगे हैं और फ्रूट आना स्टार्ट हुए हैं। तो जो सीड से ग्रो होता है उस पर जो फ्रूटिंग है थोड़ी लेट होती है। और 4 साल हो गए हैं ये इसकी एज और 5वें साल में इसके ऊपर है अब फ्रूटिंग आना स्टार्ट हुआ है। तो जो ग्राफ्टिंग वाला होता है फ्रेंड्स, वो मेरे पास 2 हैं। तो ये देखिए मैंने ये ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लिया था तो इसके ऊपर है। बिल्कुल 1 साल में ही फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है, 1 और 1.5 साल में। तो ये देखिए अभी मैंने इसे लगाया है और इसके ऊपर भी फ्रूट आना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर फ्रूटिंग जल्दी होती है। तो हमें वैसे अगर सीड से ग्रो करना है तो उसके थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। 4 साल लग गए हैं और 5वां साल इसको लग गया है तो तभी इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। देखिए ये कितना बड़ा होने के बाद इसके ऊपर जो है अब फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। और ये ग्राफ्टिंग वाले 1-1.5 साल में इसके ऊपर फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसका मैंने फुल केयर आगे अब पहले डाल रखा है। जो मेरा विलेज गार्डन है वहाँ मेरा लेमन प्लांट के ऊपर फुल केयर है उसके ऊपर। तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी और चाहो तो आप देख सकते हैं। तो मुझे बेटर लगता है वैसे ग्राफ्टिंग वाला, लेकिन ये मेरा जो ग्रो किया हुआ प्लांट है इसके ऊपर भी अब फ्रूटिंग स्टार्ट है। ये 12 मासी वाला जो है लेमन प्लांट है तो इसके ऊपर भी 12 महीने फ्रूटिंग जो आती रहेगी। तो ये भी बेटर है, अगर आप देर से फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो आप सीड से ग्रो करिएगा, और ग्राफ्ट जल्दी लेना चाहते हैं तो ग्राफ्टेड लगाइएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। और ये देखिए कितना छोटा है और इसके ऊपर फूल और फ्रूट आना स्टार्ट हो गया है। ये भी देखिए कितना छोटा है और एक तो ही 1.5 साल का है, अभी 1.5 साल का, तो इसके ऊपर फूल बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये था मेरा वीडियो और इसमें डिफरेंस मैंने बताया है। सीड से ग्रो करना चाहो तो कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, तो अब फ्रूट्स आना स्टार्ट हुए हैं तो आप देख सकते हैं। और ये बड़े वाले जो ड्रम होते हैं ब्लू कलर के, उसमें मैंने ग्रो किया हुआ है इसे। तो इसका मैंने जो सीड से लेके पूरा इसका जो केयर है मैंने कैसे किया है वो मैं केयर में इसका डालूंगी जब पूरा फ्रूट आएगा। तो इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक, और मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब और कमेंट दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक्स सो मच। हैव अ नाइस डे, हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहिए, प्लांट्स लगाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।